पूरा, और ये नायलॉन के धागे भी है। तो इसको इस तरह से करेंगे, ये इधर के साइड में एक पिन लगाएंगे, ये पिन लगा दिया। अब ये रोल ऊपर उठाएंगे, ये उड़ गया ऊपर। अभी जो ये साड़ी है ये गरम तवे पे लग कर चल रही है, मगर ये ऊपर है, इससे क्या हो जाएगा, जो डायमंड है, जो वर्क है, उसको कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। इसकी स्पीड कम कर दी है और ये ऊपर लपेट रहे हैं इसको। अगर ये गर्म प्लेट पे चलती तो ये जो नायलॉन के धागे हैं तो उसको दिक्कत आ जाती, मगर ये गर्म प्लेट पे नहीं चल रही है, ऊपर चल रही है। और ये साड़ी स्टार्च भी हो जाना चाहिए, ये अगर स्टार्च होती है तो थोड़ा अच्छी बनती है। तो इसको ऐसा है, इस साड़ी को थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये जो गरम प्लेट है उस पे नहीं चलती है, ऊपर चलती है, तो फिर ये सूखने में थोड़ा टाइम लेती है। क्योंकि ये वर्क वाली साड़ियाँ इसी तरह से जुगाड़ से करना पड़ती है। और थोड़ा जो एक साइड को वर्क होता है, एक साइड को वर्क नहीं होता, बॉर्डर नहीं होती, तो इसको हम क्या करेंगे, प्रेस में एडजस्ट करेंगे फिनिशिंग में। वर्क वाली जो साड़ियाँ होती है उसी का इस तरह से जुगाड़ करते हैं कि उनके वर्क भी कुछ डैमेज ना हो जाए और साड़ी भी बहुत अच्छी तरह से प्रेस हो जाए, कड़क हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये साड़ी को हमने प्लेट के ऊपर से घूमने दिया है और फिर ऊपर से ही ये सूख गई है। और फिर उसके जो नायलॉन धागे हैं उसका जो वर्क है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। ये इसी तरह का जुगाड़ कर लिया है हमने, ऐसे वर्क वाली साड़ी को ऊपर ही घुमा देते हैं। तो ये भी बहुत वर्कफुल साड़ी है, इस पे भी बहुत बड़ा वर्क है, तो इसको भी हम रोल प्रेस करेंगे। और टेम्परेचर है 130, तो इसको भी क्या करेंगे, ऊपर उठाएंगे, इसका ज़्यादा वर्क है इसलिए इसको ज़्यादा ऊपर उठाएंगे थोड़ा। बहुत वर्क की साड़ी है और इसको भी जुगाड़ कर देंगे। ये देख लीजिए पूरा वर्क है, मगर वो वर्क जो गरम प्लेट है उसको टच नहीं होने दिया, तो फिर वह वर्क खराब होने का कोई भी चांस नहीं है। क्योंकि ये जो साड़ियाँ होती है ये थोड़ी कस्टमर को कड़क होना चाहिए, थोड़ी ज़्यादा स्टार्च होना चाहिए, तब जाके ये अच्छी लगती है। अगर ये साड़ी लूज रहती है तो फिर अच्छी नहीं लगती और कस्टमर भी खुश नहीं होते दोस्तों। तो इसी तरह से
प्लेट के ऊपर से हमने ये प्लेट को ऊपर लेके साड़ी चढ़ाई है और ये साड़ी ऊपर अभी धीरे धीरे घूम रही है और वो हीट के वजह से ही ये पूरा सूख जाएगा। और इसका टेम्परेचर रखा है 130। अगर टेम्परेचर कितना भी रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये साड़ी हमने जनरल यहाँ से लगा दी और पैलोर निकाल लिया तो एक तो जल्दी सूख जाती नहीं है, क्योंकि इसको हम थोड़ा स्टार्च का ज़्यादा पानी लगा देते हैं तो सूखती नहीं है और फिर उतनी कड़क भी नहीं निकलती है, तो इसलिए ये जुगाड़ किया है हमने। और ये जो कम ज़्यादा होता है तो वर्क की वजह से होता है और प्रेस से वो एडजस्ट कर लेते हैं। ये रोल बड़ा होने के कारण वो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है साड़ी सूखने में। बड़े रोल के कारण बहुत जल्दी साड़ी सूख जाती है और बहुत ही हैवी वर्क वाली साड़ी है। और फिर बहुत सेफली ये निकल रही है। ये बहुत ज़्यादा वर्क है इसलिए इसको केयरफुली करना पड़ता है। बहुत ही अच्छी तरह से ये निकल गई है। ये पूरी वर्क वाली साड़ी है तो लास्ट में जो है बल्लू वो प्रेस से एडजस्ट कर लेंगे। तो इतनी हैवी वर्क वाली साड़ी भी इस पे बनाते हैं। ये वर्क देखिए और ये जो डायमंड है ये भी प्लास्टिक के है, तो इतनी हैवी वर्क ये है ना वो एडजस्ट कर लेते हैं वो रोल प्रेस मशीन पे। और ये भी है, किसी भी तरह की अगर साड़ी होती है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें अपना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है रोल प्रेस के लिए कि हमारे हिसाब से नहीं चलना पड़ता है। जिस तरह की साड़ी होंगी उस हिसाब से चलना पड़ता है, किसी को सीधे साइड में, किसी को बैक साइड से, किसी को फ्रंट से, उसके हिसाब से चल के ही हमें ये रोल प्रेस करना पड़ता है।